हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अर्पित के ब्लॉग्स में स्वागत है एक और वीडियो के साथ। सो गाइस, जैसे कि देख रहे हैं, आज खड़ी है हमारे साथ सुजुकी के जिक्सर SF150 सीसी वाली। जो कि ये सेगमेंट आती है ना, पूरी आपको स्पोर्ट्स सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो क्या प्राइस पड़ेगा, क्या माइलेज देती है, क्या क्या इस पे फीचर्स है, तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के थ्रू आपको देने वाला हूँ। तो मेरे चैनल में अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और मुझे अभी तक आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके फ्रंट प्रोफाइल से ये जो सेगमेंट, जैसे कि बोला, आपको स्पोर्ट्स सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन जो है आपको सिल्वर एंड ऑरेंज कलर का देखने को मिल जाता है, जो कि कलर कॉम्बिनेशन ना दिखने में काफी एक नंबर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो है आपको ट्रांसपेरेंट वाइजर देखने को मिल जाता है। इस साइड जो है दोनों साइड यहाँ पे मिरर लगाने का ऑप्शन दिया गया है। हेडलाइट सेटअप जो दिया गया है ना, ये आपको पूरी जो है हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि हाई बीम लो बीम के साथ आती है। ये जो भी ब्लिंक कर रही है ना, इसका जो है बैटरी डाउन हो चुकी है इसलिए ब्लिंक कर रही है। और यहाँ पे जो है आपको टर्न इंडिकेटर जो दिया गया है वो आपको जो है हैलोजन में ही देखने को मिलती है। इसमें कोई भी आपको एलईडी सेटअप के साथ देखने को नहीं मिलता है। मडगार्ड जो है ग्लोसी ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा, सिंगल टोन में। सुजुकी का स्टिकरिंग दिया गया। सस्पेंशन जो देख रहे हैं आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कि इसकी मोटाई जो है काफी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। और जो टायर की बात कर लूँ तो 100x80 सेक्शन का टायर साइज देखने को मिलेगा। 17 इंच का एलॉय व्हील मिल जाता है, और जो है एलॉय पे आपको स्ट्रिप्स दिया गया है डुअल टोन में, जो कि काफी बेटर लग रही है। 266 mm का फ्रंट ब्रेक डायमीटर दिया गया है। बाइब्रे के ब्रेक क्लिपर्स और सिंगल चैनल ABS आपको मिल जाता है। इस पे जो है आपको MRF कंपनी का टायर देखने को मिलती है। साइड प्रोफाइल से बात करें तो साइड की आप लुक देख सकते हैं, काफी देखने में काफी स्पोर्टी लगती है, काफी बोल्ड ये दिखने में लगती है। हेडलाइट से ये पूरी कनेक्टेड रहती है। इसमें जो टैंक है आपको 12 लीटर का टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा, जो कि पूरी जो है फाइबर बॉडी के साथ आती है। यहाँ पे आपको सुजुकी का ब्रांडिंग मिल जाता है, जो कि 3D में दिया गया। और मिडल पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी जो है ऑरेंज कलर का यहाँ पे यूज किया गया। यहाँ पे राइट कनेक्ट एडिशन, यानी कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, वो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया। E20 यानी कि 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल मिक्स रहती है, वही कहलाता है। और इस साइड जो है यहाँ पे पूरी आपको जिक्सर XF लिखी हुई ब्लैक कलर में काफी बेटर लग रही है। और उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर भी जो है काफी न्यू लुक में आपको यहाँ पे स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि पूरी जो है डुअल टोन का यूज किया गया। और उसी के जस्ट नीचे इंजन के जस्ट नीचे इंजन कॉल में जो है पूरी कनेक्टेड आपको मिल जाता है। यहाँ पे सुजुकी का आपको ब्रांडिंग दिया गया, और इंजन पे ही सुजुकी का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। ब्रेक लीवर की क्वालिटी जो है काफी एक नंबर आपको मिलती है। यहाँ पे आपको ACP सुजुकी इको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और इस सीट की मैं बात कर लूँ तो उसको 795 mm का सीट हाइट के साथ देखने को मिलेगा, जो कि आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है। इसकी जो सीट की कंफर्टेबिलिटी है ना, कसन वगैरह काफी कंफर्टेबल है। जब आप इसे लॉन्ग राइड कीजिएगा तो बैक में बिल्कुल भी पैन वगैरह नहीं होती है। और इसमें जो ग्रे हैंडल दिया गया है आपको ऑरेंज कलर में देखने को मिल जाता है। स्प्लिट में पूरा दिया गया है, जो कि पूरी मेटल की क्वालिटी में देखने को मिल जाएगी। और जो सेकंड फुटरेस्ट है ये भी आपको टर्नेबल एल्यूमिनियम में दिया गया है। साइलेंसर जो देख रहे हैं काफी छोटी सी आपको साइलेंसर मिल जाता है, जो कि क्रोम फिनिश का यूज किया गया है। और डुअल टिप आपको एग्जॉस्ट से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 150 cc के सेगमेंट में कोई भी बाइक में आपको डुअल टिप नहीं मिलती है, बट इसमें आपको देखने को मिलती है, जो कि दिखने में काफी बेटर लगती है। रियर सस्पेंशन जैसे कि देख सकते हैं रेड कलर में आपको वहां पे यूनिट स्विंग रियर सस्पेंशन मिल जाता है। और रियर टायर में आपको यहाँ पे टायर हगर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि रेनी सीजन में काफी ज्यादा काम आती है, फाइबर में पूरा मिल जाता है। और इसमें जो आपको टायर साइज दिया गया है वो 140 सेक्शन का टायर साइज मिल जाता है, जो कि इसमें आपको 17 इंच का एलॉय व्हील, एलॉय पे यहाँ पे स्ट्रिप्स दिया गया है। और 220 mm का रियर ब्रेक डायमीटर के साथ ही आती है। पीछे में भी जो है आपको डिस्क का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। रियर प्रोफाइल की बात कर लूँ तो रियर प्रोफाइल जो है आपको टेल लाइट जो है LED सेटअप के साथ सारा देखने को मिल जाता है। हेडलाइट जो है आपको वही यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, इसके इंडिकेटर की बात कर लो तो वही आपको हेलोजन में देखने को। मीटर की छोटी सी लाइट जो कि LED में दिया गया है, रेड कलर का रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाता है, और कुछ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो जो साड़ी गार्ड दिया गया है ना, पूरी आपको मेटल की क्वालिटी में देखने को मिलेगा। लेडीज फुटरेस वो आपको बाहर से लगानी पड़ती है। यहाँ पे जो चैन कवर दिया गया है वो आपको हाफ चैन कवर मिल जाता है। यहाँ पे मिडल स्टैंड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, टर्नेबल फुटरेस्ट आ जाती है। इसमें 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स देखने को मिलेगा। साइड स्टैंड पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाती है। और इसकी मीटर कंसोल की बात करूँ तो उससे पहले आप की देख लीजिए। की जो है काफी आपको नॉर्मल से की सुजुकी की तरफ से मिलती है। और इसमें क्या क्या कुछ फीचर्स दिया गया है तो आइए डिटेल में देखते हैं। जो है RPM का मीटर आपको देखने को मिल जाएगा, टाइमिंग बताता है, फ्यूल की इंडिकेशन बताती है, गियर नॉब, स्पीडोमीटर, बैटरी के वोल्टेज वगैरह सारा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं ट्रिप ए हो गया, ट्रिप एवरेज हो गया, कितनी की एवरेज देख रही है, ट्रिप बी हो गया, और उसके साथ साथ इसमें कितनी रेंज बची हुई, कितना जो है आप माइलेज वगैरह देख सकते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड बटन दिया गया है, जिससे कि आप यहाँ पे मोड से आप पेयर वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है। कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, मोबाइल में कितनी बैटरी बची हुई है सारा आपको इंडिकेट कर देती है।
पे न्यूट्रल का इंडिकेशन मिल जाता है, इंडिकेटर का इंडिकेशन दिया गया है, एबीएस का आपको इंडिकेशन मिल जाता है, और यहाँ पे जो है आपको दो बटन से जिससे कि आप सेट वगैरह कर सकते हैं। मैं बात करूँ इसकी इंजन की, तो इंजन जो है 155 सीसी का आपको देखने को मिलेगा, जो कि एयर कूल्ड के साथ सिंगल सिलेंडर आपको देखने को मिल जाती है। 13.6 पीएस का पावर, 13.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देती है, जो कि आपको एसओएससी इंजन मिलता है। इसके इंजन आपको रिफाइनमेंट पता ही होगा कि सुजुकी का इंजन जो है काफी रिफाइनमेंट इंजन, काफी रिलायबिलिटी इंजन आपको देखने को मिलता है, काफी ट्रस्टेबल रहता है सुजुकी का कंपनी में ऑडियंस को, तो सुजुकी का इंजन में कुछ कहा नहीं जा सकता है, काफी एक नंबर आपको मिल जाता है। माइलेज की बात कर लो तो माइलेज जो है 30 से 35 का माइलेज आराम से आपको निकाल कर देगी, और इसका जो ऑन रोड कीमत है वो आपको 76,000 के अप्रोक्स आपको पड़ जाएगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको स्पोर्ट्स सेगमेंट में आपको बाइक लेनी है, जो कि स्पोर्ट्स सेगमेंट में आपको बाइक लेनी है जो कि माइलेज अच्छी खासी दे और इंजन भी काफी एक नंबर हो और काफी कम बजट में आपको मिल जा रहा है 100-150 सीसी का बाइक, तो और क्या चाहिए, तो इसे आप प्रीफर कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइस, बाय। Just like you, no, I was once just like you.